चंद्रपुर जिले की श्री समक्का सारलम्मा देवी जत्रा कमेटी बल्लारपुर की ओर से हर दो साल में एक बार वर्धा नदी राजुरा घाट पर जत्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आकर माता समक्का सारलम्मा के दर्शन करते हैं। यह जत्रा 3-4 दिन चलती है। यहां आने वाले श्रद्धालु रात में वहीं रुकते हैं, भोजन बनाते हैं, निवास करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हर तरह की दुकान भी सजती है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जत्रा में आने वाले व्यवसायी तथा श्रद्धालुओं की आयोजकों द्वारा लूट की जा रही है। आयोजन स्थल पर स्टॉल लगाने वाले छोटे बड़े सभी व्यवसायियों से मोटी राशि वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, माता के दर्शन के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए दर्शन टिकट वसूला जा रहा है। हजारों श्रद्धालु टिकट लेकर माता के दर्शन कर रहे हैं। बहुत से गरीब लोग टिकट न ले पाने की वजह से दर्शन से वंचित हो जा रहे हैं। श्री समक्का सारलम्मा माता के दर्शन के लिए कहीं भी टिकट नहीं लगती, लेकिन बल्लारपुर की कमेटी हर साल दर्शन टिकट वसूल करती है, जिसका कोई हिसाब नहीं होता। स्टॉल वाले तथा पंडाल में रुकने वाले से लाखों रुपए वसूले जाते हैं। सांसद, विधायक, नेता, व्यापारी, अधिकारियों से डोनेशन लिया जाता है, किंतु धर्मदाय आयुक्त कार्यालय में सही हिसाब नहीं दिया जाता है। 2022 का ऑडिट तक नहीं किया गया है। पिछली बार आयोजन स्थल से दान पेटी चोरी होने की अफवाह उड़ाई गई थी। जत्रा आयोजन में पैसों का सारा व्यवहार अध्यक्ष का परिवार ही करता है। सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है। संस्था के पूरे व्यवहार तथा अध्यक्ष के संपत्ति की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण कनकुटला व शिवसेना नेता रामू मेदरवार ने की है। सर जी, यहाँ पर मैं जब जत्रा में आया हूँ, यहाँ ऐसा महसूस हुआ जब मैं दर्शन के लिए जा रहा था, वहाँ पता चला 50 रुपये की टिकट है, और दर्शन के लिए जब पूजा सामग्री लेने के तो नारियल 50 रुपये का है, तो इतना महंगा यहाँ है। और यहाँ कुछ दुकानें लगे हुए, दुकानदारों के पास सामान खरीदने के खिलौने वगैरह, तो वो खिलौने भी महंगे हैं। हमने जब पूछा खिलौने महंगे क्यों है, तो वो बोल रहे कि भाई यहाँ हम 3-3 हज़ार रुपये दे के यहाँ सामान बेच रहे हैं, 3 हज़ार रुपये ट्रस्ट को दे रहे हैं। तो मैं बोला इतना पैसा क्यों दे रहे, तो वो बोले कि 3 हज़ार देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान लेके घर जाओ। तो वो मजबूरी में 3 हज़ार दे के दुकान चला रहे, और उनका धंधा बिल्कुल नहीं हुआ। वो बता रहे कि हमारा धंधा ही नहीं हुआ, हम 3 हज़ार रुपये फुकट में दे दिए, ऐसा उनका कहना है। महाराष्ट्र TV24 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, चंद्रपुर। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहां आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3500230000।